भगवान राम एक ऐसा शब्द है, याद रखिए, कि जिसे आप लोग आज जब भी सोशल मीडिया पर जाते होंगे, जब भी आप न्यूज चैनल देखते होंगे या कहीं भी आप देखते होंगे कि भगवान राम के नाम पर वोट बैंक की राजनीति किस तरह से की जा रही है और किस तरह से उनके नाम का उपयोग किया जा रहा है। आप सोचिए, कई नेताओं को उन्होंने बरा दिया, कई को बिगाड़ दिया। आप सोचिए, एक तरह से उनके नाम का यूज करते आदमी उपयोग करते हुए कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए। लेकिन उनके, आप देखिए, नाम का ही उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उनके जो कर्म रहे, उनके जो काम रहे, उनका काम किसी, उनका अनुसरण एक तरह से कहिए कि उनके रास्तों पर कोई नहीं चला। इस बात को आप लोग जानते होंगे, ठीक है, कि हम भक्ति कर लेते हैं, चलिए हम मंदिर जाके पूज लेते हैं, अच्छी बात है, पूजा करना ये सब करना अच्छी बात है, लेकिन हम क्या उनके जो गुण हैं उन्हें अपना रहे हैं? देखिए, कहते हैं, हम सब कहते हैं कि भगवान सब देख रहा है, लेकिन क्या हकीकत में हम ऐसे काम कर रहे हैं जो भगवान देख रहा है? तो भगवान ऊपर से शर्मिंदगी या भगवान आपको सही ठहरा रहा होगा। आज हम झूठ बोल देते हैं एक दूसरे से, तो क्या सोच के झूठ बोलते हैं? चलिए, सामने वाला नहीं जान पा रहा है आपके आप क्या सच बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला तो जान रहा है। हो सकता है कि झूठ बोलकर आप 200 से 250 साल जी लें, लेकिन क्या एक समय आप जाएंगे यहां से? तो आप अगर स्वर्ग लो या नगरो नरक लो इस तरह की भावनाओं में भरोसा करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपको सजा नहीं मिलेगी? तो मुझे लगता है कि सजा उनको कुछ ज्यादा ही मिलेगी जो भगवान को मानते हैं फिर भी गलत रास्तों पर चलते हैं। तो मुझे लगा कि भगवान के नाम पर इतनी राजनीति होती है, हर कोई, चारों तरफ आप देखिए, कोई इस तरह से बात कर रहा है, कुछ उस तरह से, तो कुछ जानकारी भी भगवान राम के बारे में दे देता हूं। और ये सभी आंकड़े आपके याद रखिए, जो आपने देखा होगा कि रामायण है महर्षि वाल्मीकि साहब द्वारा रचित, उसी को मैंने कुछ पाठ उसके पढ़े हैं। और दूसरी आपकी तुलसीदास साहब द्वारा जो रामचरितमानस है, इसी के कुछ पॉइंट लिए गए हैं इसमें। और वैसे याद रखिए, सीरियल है भी आपका है, उसे भी आप देख सकते हैं, उसमें भी काफी सीखने को कुछ आपका है। आपको उसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जो आपको सीख ना देता हो। रामायण हो, फिर चाहे रावण हो, विभीषण हो, फिर चाहे आप देखिए कुंभकर्ण हो, मेघनाद हो, फिर चाहे भगवान राम हो, सीता हो, फिर चाहे आप सोचिए लक्ष्मण हो, या फिर कोई भी उसमें कैरेक्टर है, उसमें कभी जाकर आप लोग देखिए कि मतलब सब कुछ से आपको कुछ ना कुछ सीख दी जाती है। अभी कुछ ही देर पहले इसमें जो किरदार निभाया है राम का, सीता का, लक्ष्मण का, उनके बारे में मैंने देखा है, उनसे कई बार उनकी इंटरव्यू भी देखे हुए हैं, क्योंकि जो अभी सीरियल आया हुआ है आपका, ये किसी ने, आप सोचिए कि किसी ने उसमें, मतलब आप सोचिए कि एक तरह से अरुण गोविल साहब हैं, अरुण गोविल साहब, इन्होंने एक्टिंग की है उसमें। तो उनसे बाद में पूछा गया कि आपने कई मूवियों में काम क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा है कि जो हमें सम्मान दिया गया है हमारे भारत में और कई विश्व में भी इस तरह की रामायण को देखा जाता है, तो बोले वो मैं दूसरी मूवियों में अपना सम्मान नहीं गिराना चाहता था, ठीक है, मेरे सम्मान की छोड़िए, बोले भगवान राम देखते हैं मुझमें आदमी, और मैं कहीं जाता हूं तो वो मुझे पूजने लगते हैं, पैर छूने लगते हैं, तो मैं उस नाम को नहीं गिराना चाह रहा था, इसलिए मैंने काम आगे किसी भी मूवी में किसी भी पैसे के लिए नहीं किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ इस तरह की बातें रही हैं। भगवान राम को भगवान किसने बनाया? हमने, आपने, उनके कर्मों की वजह से। आप सोचिए, हनुमान जी की आज आप देखेंगे, जहां भी आप जाएंगे तो हनुमान जी की पिक्चर, मतलब फोटो आपको जरूर मिलेगी भगवान श्री राम के साथ। आप सोचिए, बानर थे हनुमान जी, उन्हें, आप सोचिए, बानर से हम लोग कहानी सुनते रहते हैं, इतिहास में पढ़ते रहते हैं आप लोग, कि पहले मानव बानर था, उसके बाद आप मानव बना, तो बानर से मानव बनना, उसके बाद देखिए मानव से भगवान बनना, यानी कि हनुमान जी एक, मतलब एक सीढ़ी पार करके दूसरी श्रेणी में पहुंच गए, तीसरी में डायरेक्ट, और हम लोग एक सीढ़ी पार नहीं कर पा रहे, यानी कि हम इंसान बनने से अच्छा इंसान भी नहीं बन पा रहे, नाम के हम इंसान हैं लेकिन हम इंसानियत भी नहीं रख पा रहे, तो ये भी शर्म की बात है। वही याद आता है कि सीता राम कह गई, सीता राम कह गए सीता से कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि इस धरती को बनाने वाला भी बैठ के पछताएगा, वही आज देखा जा रहा है, समझ रहे, कि उनके नाम पर कई तरह की रोटियां सेकी जा रही है।
लेकिन कम से कम उनके रास्तों पर चल तो सकते हैं आप लोग, लेकिन वो नहीं देखा जा रहा है। आप देखिए कि राम, हो सकता है अगर उन्होंने इस तरह का जीवन ना जिया होता तो अयोध्या के राजा के बेटा ही बनकर रह जाते, जो अधिकतर आप लोग देखते हैं कि बाप के नाम बेटे के नाम चलता रहता है बाप के बाद। लेकिन उनके जो कर्म रहे उसने उनके पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, क्या बोलते हैं भगवान राम को, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम राम, पुरुषोत्तम राम यानी कि पुरुषों में सबसे उत्तम है। आप एक बार मैप पर चलिए, देखिए ये है अयोध्या। अभी आपने देखा होगा कि नेपाल में भी विवाद चल रहा था कि राम का जन्म हमारे यहाँ हुआ है अयोध्या में। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या है आपका फैजाबाद के पास, ठीक है, यहाँ है आपका अयोध्या, ठीक है, ये है आपका, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। आप सोचिए एक रावण आता है श्रीलंका से, वो सीता को हर ले जाता है। अब देखिए अयोध्या यहाँ है, अब यहां से पूरा पार करते हुए तमिलनाडु में वो सेना बनाते हैं, तमिल सेना बनाते हैं आदिवासियों की। उसके बाद वो श्रीलंका जाते हैं, यहाँ देखिए यहाँ ही उन्होंने सेतु पुल बनाया हुआ था, राम सेतु पुल। उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ रावण की लंका को ध्वस्त, यानी कि रावण को हराते हैं और अपनी सीता माता को, मतलब सीता को लेकर आते हैं वापस। आप सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक जाना कितना मुश्किल भरा रहता होगा उस समय। उस समय आपका टेलीफोन नहीं था कि कोई बता दे कि हाँ सीता माता यहाँ है, कोई इस तरह से सुविधा नहीं थी कि आप बाइक या एरोप्लेन लेकर चले जाए या आप गाड़ी लेकर चले जाए डायरेक्ट, समझ रहे हैं आप लोग। तो बहुत परेशानी रही है उनके इस जीवन के कारण ही। आप सोचिए उनका पुरुषोत्तम और उन्हें भगवान बना दिया है। आज आप भी तो देखते हैं कि चलिए आप किसी बस्ती को, किसी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र को गोद ले लीजिए और आप हर जो भी आपके यहाँ धर्म मनाया जा रहा है उनके साथ जाकर मनाइए, उनके हर दुख सुख में सबके साथ जुड़े रहिए आप लोग, वो आपको भी भगवान मानने लगेंगे। भगवान श्री राम को छोड़ देंगे वो लोग, आपको कुछ ज्यादा ही भगवान मानने लगेंगे, समझ में आया। एक समय के बाद आप भी देखेंगे कि हो सकता है कि हमारे मरने के बाद वो हमें भगवान बनाकर पूजने लगे, अपने घर में मूर्ति भी लगा लें। कई देखते हैं, आप भी देखते हैं अपने दैनिक जीवन में कि आप अपने गुरु को भगवान बना लेते हैं, उसकी फोटो की पूजा करने लगते हैं। तो देखिए कर्मों की वजह से मुझे लगता है कि हमें याद रखा जाता है। देखिए जिंदगी हमारी 100 से 150 साल, हो सकता है कि मान लीजिए भगवान करे आपकी 500 साल, मैं तो कहता हूँ बने रहें जिंदा, लेकिन जिंदा रहने का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि देखते हैं 135 करोड़ जनसंख्या है, किसे किसे कौन याद रखता है, इतिहास उसी को याद रखता है। वो इतिहास तब तक रहेगा जब तक ये धरती रहेगी और आपके कर्मों से ही आपको इतिहास याद रखेगा, ठीक है। तो अच्छे से रहिए, और मुझे लगता है कि दूसरे को गिराकर आप कभी इंसान नहीं कहला सकते। आप दूसरे को अगर रुला रहे हैं, दूसरा आपकी वजह से दुखी है, तो मैं आपको इंसान नहीं मानता हूँ। और भगवान की छोड़िए, भगवान अब आपको जो भी सजा दे मुझे नहीं पता है। हो सकता है कि आज आपके पास पैसा है तो आप एडजस्ट कर लें, आपको अगर कोई सजा मिल भी रही है तो आप, हो सकता है कि यहाँ जज खरीद लें, है समझ रहे हैं। लेकिन ऊपर वाले की मुझे नहीं लगता है वहां कोई इस तरह का लेन देन होता हो, समझ रहे हैं, कि आपको कम सजा मिल जाए और गरीब को कुछ अलग सजा मिल जाए। वो तो अच्छा है कि सब लोग मरते हैं, वरना ये भी कर दिया जाता कि वो गरीब था इसलिए मर गया। मौत सबको आती है कम से कम, ये तो ध्यान में रखना चाहिए। चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं राम के बारे में, फिर उनसे सीख क्या मिलती है, क्या क्या हम कर सकते हैं, किस तरह से हम सफल हो सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। रामचंद्र, जिसे आप लोग रामचंद्र भी कहते हैं, राम भगवान कहते हैं, प्राचीन भारत में अवतरित भगवान है, किंतु हिंदू धर्म में राम विष्णु के 10वें अवतारों में से 7वें नंबर के हैं। विष्णु भगवान के 7वें अवतारों में 7वें अवतार है। रामायण नामक ग्रंथ में भगवान राम के विषय में पूरी जानकारी आपको दी गई है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। खासतौर पर उत्तर भारत में राम बहुत अधिक पूजनीय है। उत्तर भारत का मतलब यह है कि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरह के जो भी ग्राम क्षेत्र हैं आपके राज्य, इनमें बुंदेलखंड में आप देखिए कुछ ज्यादा ही पूजा की जाती है। तो पूजना मुझे लगता है कि बेहतर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मंदिर में जाकर हम बड़े अच्छे से विनम्र तरीके से, और बाहर आके हम अपनी फिर अपनी वही स्थिति में आ जाते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। इनकी पिक्चर्स देख लीजिए आप लोग, दिख रहा है। भगवान राम जी का जन्म अयोध्या के राजा के घर में हुआ है। उनकी माता का नाम कौशल्या और पिता का नाम दशरथ था,
इसके भी आप लोग सामान्य जानकारी के लिए याद रख सकते हैं। भगवान राम ईसा पूर्व यानी कि 5114 वर्ष पूर्व हुए थे पैदा। देखिए इनके बारे में जो रामायण, एक तरह से आप कहिए कि इनकी डेट जन्म के बारे में क्लियर कोई जानकारी नहीं रहती, लेकिन जो भी हमारे ग्रंथ हैं वो बताते हैं, उन्हीं से लिया गया है। देखिए कहने का मतलब ये है कि भगवान राम ईसा पूर्व यानी कि 5114 वर्ष पहले हुए थे। ईसा पूर्व का मतलब ये होता है कि आप सोचिए कि एक डेट मान लीजिए, यहां से एक लाइन खींच दी आपने और इसमें आप जीरो मान लीजिए और इस तरफ आप बढ़ेंगे तो ईसा पूर्व हो गया, और इस तरफ बढ़ेंगे आप लोग, इस तरफ आप ईसा पूर्व मान लीजिए यानी कि एडी बीसी, सॉरी ईसा पूर्व को आप क्या कहते हैं, बीसी भी कहते हैं, ईसवी को आप कहते हैं एडी। तो आप जैसे ही ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जाएंगे यानी कि पहले उनके जन्म से पहले, तो ईसा पूर्व कहेंगे आप लोग, बीसी कहेंगे, उनके जन्म के बाद की डेट कहेंगे तो ईसवी कहेंगे। जैसे आज आप सोचिए कि 2020 चल रहा है, 2020 ईसवी चल रही है, ठीक है, और अगर आप लोग उनके जन्म के पहले चलते तो आप कहते हैं कि 5114 ईसा पूर्व चल रहा है, तो उसी समय जन्म हुआ था। अगर आज से कहें तो आप आज से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 5114 में आप 20 जोड़ दीजिए, 2020 जोड़ दीजिए, आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। यह शोध महर्षि वाल्मीकि के रामायण में उल्लिखित उनके जन्म के आधार पर किया गया है, यानी कि यह जानकारी उनके जन्म के आधार पर, यानी कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो रामायण लिखी गई उसी के आधार पर कहे जा रहे हैं। यह राम पर शोध वैज्ञानिक संस्था आई ने किया। इस शोध में मुख्य भूमिका अशोक भटनागर, कुलभूषण मिश्र और सरोज बाला ने निभाई है। इसके अनुसार 10 जनवरी 5114 को भगवान राम का जन्म हुआ था। हालांकि कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि भगवान राम का जन्म 7323 ईसा पूर्व हुआ है। देखिए डेट किसी भी महापुरुष की जरूरी नहीं रखती है, उनके कर्म, उनके काम, उनके जो भी उन्होंने काम किया है वो याद रखते हैं, वही काम मतलब आप सोचिए आपको अपनाना होता है। वैसे आप जानते होंगे कि भगवान राम के 3 भाई थे, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। भगवान राम जी के गुरु का नाम वशिष्ठ था और उनका विवाह माता सीता के साथ हुआ, और भगवान राम और सीता की जोड़ी को आज भी एक आदर्श जोड़ी माना जाता है। भगवान राम जी के 2 पुत्र थे, लव और कुश। हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, और इस तरह से भक्त माने जाते हैं कि आज आप जा भी जाएंगे आपको भगवान राम के साथ सीता और लक्ष्मण नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको हनुमान जी जरूर मिलेंगे। उनके मंदिर के पास हनुमान जी का मंदिर जरूर रहेगा, वैसे मुझे लगता है कि हर मंदिर के पास है। श्री राम और उनके 3 भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ने गुरु वशिष्ठ से गुरुकुल में शिक्षा ली, और पहले आप देखते थे कि राजा महाराजा के पुत्र इस तरह की शिक्षा भी लेते थे अपने गुरु से। चारों भाई वेदों उपनिषदों के बहुत बड़े ज्ञाता बन गए। गुरुकुल में अच्छे मानवीय और सामाजिक गुणों का उनसे संचार हुआ। अपने अच्छे गुणों और ज्ञान प्राप्ति की ललक से भी वे सभी अपने गुरुओं के प्रिय बन गए, यानी कि उनके कर्मों की वजह से, कामों की वजह से वो अपने गुरु के नजरों में भी ऊपर उठ गए। हिंदू मान्यता के अनुसार विष्णु जी ने राम अवतार अन्यायी एवं दुष्ट राक्षस रावण को खत्म करने के लिए लिया था। आप जानते हैं कि धरती पर जब कुछ जाना ही पाप पड़ जाता है तो उसे एक तरह से संतुलन करने के लिए कोई ना कोई अवतरित होकर आता है। इसे हम लोग सभी धर्म में मानते हैं लगभग, मुझे लगता है। और श्री राम अवतार में विष्णु जी ने विश्वपुत्र, भाई, पति और मित्र के गुणों को सामने रखा। श्री राम जी ने अपने पिता के कहने पर 14 वर्ष वनवास काटा और अपनी मित्रता का संदेश देते हुए बाली की हत्या कर सुप्रीम का राजपाट भी उसे वापस दिलाए। आपने देखा होगा कि जब कोई विवाद हो जाता है वो जंगल जाने की तैयारी करने लगते हैं, तो असल में उनके पिताजी ने कभी नहीं कहा कि आप जंगल जाइए वहीं रहिए। इस बात को आप लोग, मुझे नहीं लगता है शायद आपने कैसा पढ़ा है, लेकिन लॉकडाउन के टाइम मैंने काफी इसमें सोचा है और सर्च भी किया है और काफी पढ़ा भी है। तो उन्होंने एक वरदान तो दे दिया था राजपाट का, लेकिन दूसरे पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने सारथी यानी कि जो रथ चालक था उससे कहा कि एक चक्कर लगा ले आइए और लौटा के घर ले आइएगा। यानी कि छोटी सी उम्र थी, कहां बड़ी उम्र थी, और उन्होंने कह दिया कि अगर भगवान श्री राम ना माने तो सीता माता को तो लेके आइए ही वापस। लेकिन आप देखते हैं कि परिस्थिति बदलती जाती है,
और एक तरह से आप कहिए कि उन्होंने खुद परिस्थिति ये खड़ी की हुई थी। आप सोचिए, वो भगवान है, वो तो अपनी स्थिति को कभी भी पलट सकते थे, लेकिन उन्होंने एक इंसान की तरह जीवन जिया और इंसान को सिखाया कि जीवन क्या है, किस तरह से जीवन होना चाहिए। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी हम लोग कहते हैं। राम ने मर्यादा के पालन के लिए राज मित्र माता पिता यहाँ तक कि पत्नी का भी साथ छोड़ा। एक बात आप लोग सोचिए, आज ठीक है आपका भाई अगर गलत रास्तों पर चल रहा है तो आज आप साथ नहीं छोड़ेंगे, मुझे लगता है ऐसा देखता रहता हूं, लेकिन सोचिए उस समय भी राजा का फैसला मुझे लगता है कि बेहतर रहता होगा। तो सोचिए कि अगर जनता उस समय सवाल उठाने लगती है तो राम जनता के हिसाब से चलते हैं ना कि अपने हिसाब से। वो भी तो कर सकते थे, वो कह देते नहीं माननी है मुझे बात किसी की, तो एक उनके नाम पर भी धब्बा लग जाता। तो उन्होंने वही जनता का ख्याल रखते हुए अपना धर्म निभाया, समझ रहे हैं, कि पत्नी को छोड़ दिया, मतलब जंगल में छुड़ाए दोबारा। देखिए, भगवान राम बनना या कोई महान पुरुष बनना इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। ठीक है, आप अपने परिवार के लिए मरे जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन सोचिए कि चलिए 70 साल दोस्त, अरे आप कितना जिएंगे, मरेंगे कि यही धरती पर बने रहेंगे हमेशा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि लानत करते हैं मरने के बाद लोग उनके नाम पर। तो मुझे लगता है कि ठीक है, आप 5 बच्चे पैदा कर लीजिए, 10 कर लीजिए, और आप उन बच्चों के लिए जान दे दीजिए अपनी, लेकिन एक शब्द आपको हमेशा सुनने को मिलेगा, तुमने हमारे लिए क्या किया हो, क्योंकि बाप हो तुम उनके, और बाप का फर्ज होता है बेटों, मतलब बच्चों की सुरक्षा करना। और एक आप लीजिए, ठीक है आपका बच्चा नहीं है, किसी ग्रामीण बस्ती से आप 1-2 बच्चों को उठाइए, उनकी जिंदगी बनाइए, यानी कि उनकी सुधारिए, शिक्षा दीजिए, उन्हें उनके ऊपर पैसा खर्च कीजिए, आप देखेंगे कि आपका वो एहसान मानेंगे, अपने लिए आपके लिए जान भी दे देंगे वो, कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो। एक समय आपने देखा होगा कि आपके बच्चे अगर 10,000 की भी पटाखे दीपावली पर जला देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई एहसान रहता है आपका। वहीं आप अगर 100 रुपये की बस बट्टा के लेकर किसी बस्ती के बच्चे को दे दीजिए, वो तो आपको भगवान मानेगा, साथ में वहां रहने वाले लोग भी आपको भगवान मानने लगेंगे। तो समझ में आया कि मतलब जीवन जीने का मतलब रामायण हो फिर चाहे आपका महाभारत हो। देखिए, हिंदू धर्म के बारे में हम लोग जानते हैं, अब अन्य धर्म के बारे में हम लोग ज्यादा ज्ञाता नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा भरोसे के साथ कि कोई भी धर्म आपको गलत रास्तों पर यानी किसी को नीचा दिखाने पर, किसी को मारने पर ऐसा सीख कभी नहीं देता है, चाहे आपका मुस्लिम धर्म हो, ईसाई, जैन या कोई भी धर्म हो, सिख धर्म हो, ठीक है। तो मतलब जीवन जीना है, एक तो जीवन देखिए हर कोई पेट भर ले रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, समझ रहे हैं, लेकिन नाम आपको किस तरह से याद रखिएगा। आज इतिहास जो भी आप कर रहे हैं, का एक समय इतिहास बनेगा, यही इतिहास में लिखा जाएगा, उस समय आप खुद देखेंगे, उस समय आपके जो भी आने वाली पीढ़ी होगी, हो सकता है आपके कर्मों की वजह से आपको शाबाशी दे, हो सकता है कि आपके कर्मों की वजह से आप पर लानत करें, तो ये आने वाला समय बताएगा, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप पूरा धर्म अपना के बाबा बन जाइए, एक मतलब जिंदगी जिया करेगा, समझ रहे हैं, हकीकत जिंदगी जो है। इनका परिवार आदर्श भारतीय परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। राम रघुकुल में जन्मे थे, जिसकी परंपरा प्राण जाए पर वचन ना जाए की थी। इस शब्द को आप सोच रहे हैं, और आज के समाज में क्या हो रहा है, प्राण ना जाए चाहे वचन चले जाए सब, यानी कि आज हम सुबह बोल दे रहे हैं कि वो ऐसी बात है, शाम को हम अपने बाप को भी बदल दे रहे हैं मतलब के लिए, तो ये मतलब क्या उखाड़ लोगे। अभी किसी ने पूछा था कुछ ही दिन पहले कि चलिए मैं भरोसा तोड़ देता हूँ किसी का, या किसी को नीचा दिखा देता हूँ, कोई मुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा करता है, ठीक है उसके यहाँ मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मैं उसे जहर दे दूँ यानी कि कुछ विष दे दूँ, उसे मार दूँ तो क्या होगा मेरे साथ। तो एक ही शब्द मैंने हमेशा बोला है कि तुम क्या उखाड़ लोगे किसी का भरोसा तोड़ना, ठीक है मुझ पर कोई भरोसा कर रहा है खुद से जाना, और वो आंख बंद करके भरोसा कर रहा है मेरी बातों पर, मैंने कहा नहीं ऐसी बात है ऐसी, उसने कहा सही है, तो अगर मैं उसके भरोसा तोड़ता हूँ उस सामने वाले व्यक्ति का, तो मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ हूं ना कि सामने वाला। उसने तो अपना धर्म निभाया, लेकिन हमने क्या धर्म निभाया, ये हमेशा याद रखना चाहिए, और ये हमेशा याद रखिए आपका यही मायने रखता है कि इंसान मतलब है क्या, ठीक है। तो आप अपना, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप अपनी तरफ से 100% अपना काम करिए, सामने वाला क्या कर रहा है
क्या नहीं करना है उस पर ध्यान मत दीजिए, उसकी तो आदत ही अगर नीच बना की होगी तो वो दिखाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है वो क्या हड़ लेगा जिंदगी में, कम से कम हम आज अगर हमने 100% किसी भी काम में दिया है, ठीक है रिश्ते हो आपके चाहे परिवार हो या फिर कोई और अन्य दोस्ती हो, ठीक है आज मैं मर रहा हूं तो मुझे कम से कम संतुष्टि तो होगी कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने जो भी मेरे सामने आया मैंने अपनी हिसाब से 100% उस काम में दिया। आप चलिए किसी की बात की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से पूरी फोकस दे रहे हैं, तो चलिए आज अगर कल आप सिलेक्शन भी नहीं होता है आपका, तो आप में कम से कम एक तरह से काश शब्द तो नहीं जुड़ेगा कि काश हम ऐसा कर लेते तो हम ऐसा हो जाता। ठीक है नहीं हुआ वो अलग बात होती है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बेहतर इंसान जरूर बना देगा, आपका पेट जरूर भर देगा आपका, ये 100% आप जिस काम पर देंगे। तो ये हाल है, आप अपनी तरह से कर्म करिए। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने देखा एक दो बच्चों से की बात सुन रहा था ऐसे, तो तीन मतलब वही 4-5 साल के बच्चे होंगे, तीन बच्चे, तीन से उनकी मैडम जो भी स्कूल में टीचर रहती है वो कहती है, एक एक पक्षी देती है तीनों बच्चों को, कहती है कि आपको इन्हें मार के लाना है और ऐसी जगह ले जाकर मारना है इन्हें कि कोई देख ना पाए आपको, कोई आपको देख ना पाए। तो दो बच्चे मार के ले आते हैं, एक तीसरा बच्चा उसे जिंदा लाता है, तो उसकी मैडम पूछती है आखिर क्यों तुमने ऐसा नहीं किया, तो बोली मैडम वो मैंने देखा कि कोई नहीं देख रहा है लेकिन मुझे लगा कि भगवान देख रहा है ऊपर से, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको सीखना चाहिए इनसे, मैं कहता हूं कि हर जगह आपको सीख मिल सकती है, आपका गुरु हर कोई हो सकता है, लेकिन आपको सीखने की लालसा तो होनी चाहिए। आज हम देखिए कि चलिए आज हम खुद को भगवान समझ लेते हैं, खुद को इतना समझदार समझ लेते हैं, सामने वाले को बेवकूफ समझ लेते हैं। सामने वाला हो सकता है कि आपके आप किसे मतलब रिश्ता ना तोड़ने के कारण आपकी हाँ हाँ मिला रहा हो, तो आपको अपने अंदर भी तो झांक लेना चाहिए कि आप गलत हैं या सही है। सामने वाले को गलत ठहरा देना मुझे लगता है कि आज का सबसे आसान काम है, वही है कि खुद के घर में आग लगी है उसे नहीं दिख रहा है और सामने वाले के आग घर में आग लग गई तो उसे देखने के लिए उमड़ पड़ रहे हैं। वही कहते हैं ना कि खुद के दुख से दुखी नहीं है इंसान, सामने वाले के सुख से दुखी है इंसान, तो ये देखा जा रहा है। और अपनी बात पर मैं तो कहता हूं कि डटे रहिए, जिस किसी की भी वफादार रहना है पिति वफादार रहना है रहिए, फिर चाहे आपका घर का हो या पराया हो, ठीक है एक बार जो बोल दिया बोल दिया, यही शब्द है हमारे, नहीं तो ये तो ना आज बदलेंगी ना ही कल। और एक सच बोलने का एक और फायदा होता है कि हमें याद नहीं रखना पड़ता है, आज हमने आपसे बोल दिया कि हम ये हैं और कल हमें याद रखना पड़ेगा कि आपसे क्या बोला था कि ये है, और मैं फकीर हूं अगर फटीचर हूं मैं, एक तरह से कुछ नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास नहीं है कुछ, ठीक है आगे होगा तो देखा जाएगा, नहीं होगा तो देखा जाए, तो कम से कम हम परिस्थिति के साथ तो हैं, कम से कम हम कोई बड़ा चढ़ा के तो नहीं जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है मेरे पास अगर 10 रुपये हैं तो उसी में खुश रहेंगे, अब 10 रुपये हैं ऐसा तो है नहीं कि हम अगर सोच लेंगे हम, ठीक है सोच रखना सपने देखना एक अच्छी बात है, लेकिन समय हक जब समय आपके साथ हो तब मुझे लगता है कि सपने देखना बेहतर रहता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, बहुत बात होती जा रही है और पूरी बात मुझे लगता है कि इनके बारे में बहुत कम है, हम लोग इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। पिता दशरथ ने सौतेली माँ कैकेयी को वचन दिया था, उनकी उसकी दो इच्छा वर पूरे करने का, कैकेयी ने इस वर के रूप में अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। एक तरह से आप कह सकते हैं साठ गांठ पूरी भगवान राम की ही रही होगी कि मैं इस तरह जाऊंगा, इस तरह पूरी रचना रची होगी उन्होंने, क्योंकि आज सोचिए कि हम कहते हैं देखिए भगवान को जो लोग मानते हैं वो मानते होंगे इस बात को भी कि भगवान ही हमारे दिमाग को एक तरह से कंट्रोल करके भी किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। एक बात तो आप लोगों ने सुनी होगी कि हमें अपने कर्मों की सजा मिलती है, जब हम इंसान को इंसान ना समझें, हम तुच्छ समझने लगे उन लोगों को और अपने आप को ही सबसे बड़ा समझने लगे, तब हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता भगवान दिखा देता है कि हमारी बर्बादी सुनिश्चित हो जाती है, हमें कर्मों की सजा मिल रही है। चलिए हम घर में बैठे हुए हम बहुत बुरे व्यक्ति बन चुके हैं, तो हमारे दिमाग में आ जाएगा चलिए बाजार चलते हैं,
बाजार जाएंगे, बाइक तेज चला रहे होंगे, अब हमारे दिमाग में आएगा कि और तेज चलाए, और आगे जाके हमारा राम नाम सत्य हो जाता है। तो आप सोचिए, कम से कम मुझे लगता है कि ये किसने स्थिति पैदा की हमारे सामने, भगवान श्री राम ने, भगवान ने, यानी कि जो भी ऊपर वाला है आपका। तो इस तरह की स्थिति केकई के मन में भी हो सकता है कि इस तरह का कुछ भगवान श्री राम ने परिस्थिति पैदा की हो। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने खुशी से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, और पत्नी सीता ने आदर्श पत्नी का उदाहरण पेश करते हुए पत्नी के साथ बन जाना पसंद किया। इस बात को मैंने हमेशा दोहराया है कि देखिए, पत्नी का एक धर्म है। मैं नहीं मानता हूं, देखिए आज की बॉलीवुड इस तरह की मूवियों को, मैं उसी परंपरा को मानता हूं, फिर चाहे आप मुझे पुराने विचारों वाला कह सकते हैं, लेकिन मुझे शांति है उसमें मिलती है कि एक पत्नी का वही धर्म है कि मतलब खुद चाहे। देखिए, एक दो बातें हैं आपके पास, एक तो आप अपने पति को राजा बन के खुद रानी बन सकती हैं, क्योंकि जब आपका पति राजा बनेगा तो आप रानी ऑटोमेटिक बन जाएंगे। दूसरा है आप कि आपकी अपने पति को गुलाम बना के रखिए, आप खुद गुलाम की पत्नी बन जाएंगे, क्या कहलाएंगी, गुलाम की पत्नी, और राजा की पत्नी रानी। तो आपके सामने स्थिति पैदा है, आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। वो मुझे लगता है ठीक है, पति को अपना धर्म निभाना चाहिए, पत्नी को अपना धर्म, दोनों तरफ से 100% तभी हमें लगता है कि एक अच्छी जिंदगी हो सकती है। सौतेला भाई लक्ष्मण ने भी भाई का साथ दिया। आज के भाइयों को देखिए, खास भाई साथ नहीं देते हैं, सौतेले भाई का आप समझ सकते हैं। और आज जो भी देते हैं उनके लिए मैं तो कहता हूं, देखिए आपके साथ आपका भाई खड़ा है, आपके बाप माँ बाप खड़े हैं, या आपसे दूर का कोई आपके साथ खड़ा हुआ है, वो आपके लिए सब कुछ है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आपके माँ बाप ने आपको छोड़ दिया है, आप ठीक है, उन्हें मानिए, उनने आपको जन्म दिया है, लेकिन उनके भी एहसानों को मत भूल जाइए जिसने आपको जन्म नहीं दिया लेकिन फिर भी आपको का साथ दिया। तो मुझे लगता है उनसे अगर एक समय आपको दो स्थिति आपके सामने पैदा हो जाए कि आपको जिसने आपको जन्म दिया उसका साथ देना है, दूसरा आपको उसका साथ देना है जिसने आपको जिंदगी भर आपके साथ खड़ा रहा, तो उस व्यक्ति का साथ देना जो आपके साथ जिंदगी भर खड़ा रहा। क्योंकि देखिए, जन्म देने के लिए पशु भी जन्म देते हैं, हर कोई जन्म देता है, उनकी स्थिति क्या बीतती है। जन्म देना बच्चे को मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा काम है, लेकिन उनकी परवरिश करना, उनकी स्थिति सुधारना बहुत मुश्किल का काम है इस समय 21वीं सदी में बातौर। तो इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से सोचा करिए। और कुछ से ऐसे शब्द होते हैं कि देखिए, आपका सामने वाले का एहसान एक बात से कह के आप लोग पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं, उनकी आत्मा को मार देते हैं। तो बड़े सोच समझ के शब्द निकाला करिए। मैं तो कहता हूं कि हमेशा ऐसे शब्द चुना करिए कि आज से अगर हम लोग 10 साल बाद भी उस शब्द को बोलें तो हमें अपने आप में लानत नहीं होनी चाहिए, हमने सही कहा, ऐसा शब्द आप लोग चुनिए हमेशा। भरत ने न्याय के लिए माता का आदेश ठुकराया और बड़े भाई राम के पास बन जाकर उनके चरण पाद का, यानी कि चप्पल लेके आए, जूता लेके आए जो भी पहनते थे, फिर ऐसे ही राजगद्दी पर रखकर राजकाज किया। तो ये भी आप समझिए कि एक बड़े भाई का छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति क्या व्यवहार है, आप समझ रहे हैं। अब बात करते हैं आगे, राम की पत्नी सीता को रावण हर यानी कि चुरा कर ले जाता है। आज की जो आप मूवी देख रहे हैं, देखिए कोई भगवान श्री राम जंगल में कोई पिकनिक मनाने नहीं गए थे, आप एक स्थिति सोचिए कि जंगल में क्या भयानक स्थिति हो सकती, आज की स्थिति से उस समय बहुत बुरी स्थिति होती थी। जंगलों में आप सोचिए, खाने के लिए एक राजा का बेटा, रानी, मतलब सीता भी कम नहीं थी, दोनों वीआईपी जिंदगी जी रहे थे, उसके बाद उनके सामने स्थिति आ जाती है कि आपको वन में जाना है बिना किसी सुविधा के, तो आप सोचिए क्या पूरी स्थिति खड़ी हो गई होगी। उसके बाद एक घटना ये भी घट जाती है कि सीता को हर ले जाते हैं। तो राम ने उस समय की एक जनजाति बानर के लोगों की मदद से सीता को ढूंढा और समुद्र में पुल बनाकर राम के साथ युद्ध किया, रावण के साथ युद्ध किया। अब सोचिए, यहाँ सेना बनाना इतना भी आसान नहीं है कि जितना आपने सोच लिया कि एक लाइन में बन गई सेना। यहां से बात कर रहा हूं, यहां ऊपर से आपको यहां ऊपर से चलना है नीचे तक, सोचिए आप समझ रहे हैं कि 3000+ मतलब 3000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी है, किस तरह से पार की होगी, किस तरह से सेना को इकट्ठा करना, एक बहुत बड़ा काम रहा होगा। रावण को मार दिया जाता है और सीता को वापस लाते हैं।
जंगल में राम को हनुमान जैसा दोस्त और भक्त मिला, इससे पहले की बात कर रहा हूँ, सेना की, और सारे कार्य पूरे कराए। राम की अयोध्या लौटने पर भारत ने राज्य उनको भी सौंप दिया। राम न्याय प्रिय थे, बहुत अच्छा शासन किया, इसलिए आज भी अच्छे शासन को रामजन की उपमा देते हैं। क्या देते हैं? रामजन की उपमा देते हैं। हिंदू धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा हो गया, दीपावली हो गया, राम के जीवन कथा से जुड़े हुए हैं। ये सभी आप हिंदुओं में कुछ आप समझते हैं, मैन मुख्यतः आप जानते हैं कि हिंदुओं को का भगवान कहते हैं राम, वैसे तो हर धर्म मानता है ना। और हमारे ही देश में नहीं, आप लोग थाईलैंड में कभी चला जाइएगा, वहां भी इस तरह की त्योहार मनाए जाते हैं। तो रामनवमी का पावन पर्व श्री राम के जन्म उत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं, ऐसे भी आप लोग याद रखिए। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान राम ने हर काम एक मर्यादा में रहकर किया, फिर चाहे बिना किसी प्रश्न के अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना हो, या फिर वन में सीता का हरण के बाद रावण का वध करना हो। रावण की मृत्यु के बाद भी उन्होंने अपने दुश्मन से बैर नहीं रखा, बल्कि अपने भाई को रावण के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा। भगवान राम का चरित्र हमें माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना सिखाता है। अब कई लोग हमारे इस मतलब कई बार सवाल उठाने लगते हैं, पिछली बार भी कई दिनों पहले इस तरह की बात की थी, तो सेवा करना या आज्ञा का पालन करना इस तरह की बात करते हैं। मैंने देखिए अभी पीछे भी बता चुका हूं आपको, आप को अगर आपके सामने दो रास्ते आपको चुनना है, तो मैंने कहा है कि जिसने आपको जन्म दिया उसको एक बार शायद आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जिसने आपकी जिंदगी दी है, आपको एक कोई भी मंजिल दी है या आपका साथ दिया है, आपको इतनी ऊंचाई दी है, तो मैं उसे नहीं, उसे कभी नहीं भूल सकता, ठीक है? क्योंकि आप देखिए कि हो सकता है कि आपको अगर वो परिस्थिति ना मिली होती, वो साथ ना मिला होता, तो आप भी मुझे लगता है कि उसी स्थिति में जी रहे होते जिसमें बाकी दुनिया जी रही है। आपको जिस व्यक्ति ने इंसान बनाया, जिसने इतनी तरक्की दी, वो आपके लिए भगवान से भी बढ़कर हो सकता है। आप उसे भगवान मानिए, इसमें मुझे लगता है कि भगवान भी ऊपर बैठकर आपकी मदद कर रहा हो। एक शॉर्ट स्टोरी है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें सब कुछ आप समाहित हो जाएगा और किसी की जिंदगी में बता पाना इतना आसान है। आप सोचिए बड़ी बड़ी रामायण कथा, भागवत, रामचरितमानस, इसमें मतलब इतना बड़े बड़े ग्रंथ है, तो एक में मुझे लगता है कि समेट पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। बस इतना बता देता हूं कि इससे सीख क्या मिलती है और आप अपने जीवन में क्या भगवान राम से सीख सकते हैं। बाकी रावण इस तरह के जो भी कैरेक्टर है उसमें आप उनसे भी सीख सकते हैं, उनके बारे में भी बड़े बड़े गौर से बात ध्यान दीजिए आप लोग, बड़ी मतलब ध्यान से पढ़िए उन्हें, आपको मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको सीख मिले, ठीक है? आप देखते हैं कि रोज हम भगवान श्री राम की पूजा भी करते हैं और उन्हें आराधना भी करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कभी राम जी के गुणों को देखने की कोशिश नहीं करते हम लोग। हम मंदिर गए, हमने पूजा की, लेकिन हमने उनके गुणों को कभी नहीं देखा कि वो ऐसे थे। अब सोचिए उस समय राजा एक से दो तीन पत्नियां रखा करता था, नॉर्मल सी बात है, उनके बाप ने भी दो से तीन पत्नियां रखी। आप समझिए कि वो भी तो कर सकते थे कि जैसे ही सीता का हरण हुआ, वो भी दो से तीन आराम से उनके लिए व्यवस्था हो जाती, क्योंकि उस समय राजकुमार के लिए दो से तीन पत्नियां रखना आसान है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक तरह से आप कहिए कि अपनी पत्नी के लिए सब कुछ त्यागा, कितनी तपस्या की, वो कितनी मुसीबतें ले ली, उसके बाद जाते हैं। तो आप समझिए कि एक मतलब इंसान ही कर सकता है, महान इंसान। आज के देखिए आप लोग कि मतलब कितना तुच्छ इंसान हो चुका है, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन हम कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, मैंने बोला ना कि हमें मालूम है कि ये गलत रास्ता है, फिर भी हम उसी पर चल रहे हैं। क्या भगवान ने कभी आपको लगता है किसी ग्रंथ में एक कोई लाइन मुझे ऐसी उठा के दीजिए, बताइए, जिसमें लिखा हो कि एक दूसरी जात से आप लोग नफरत करिए, दूसरे धर्म को आप लोग नीचा दिखाइए? मुझे नहीं लगता है कि इसी धर्म में ऐसा लिखा होगा। आज हम लोग ये सेना बना लेते हैं, वो सेना बना लेते हैं, अरे भाई सेना बनाने का मेन उद्देश्य आप लोग मानव कल्याण रखिए, ना कि अपनी जात पात का, तभी मुझे लगता है कि आपको इतिहास में याद रखेगा कोई। वरना दो चार साल बाद, दो चार पचास साल बाद हम लटक जाते हैं, मरने के बाद कुत्ता भी नहीं पूछता हमें, तो बड़े ध्यान से देना होगा हमें इन बातों को। और अगर आप 100 साल जीना चाहते हैं तो आप किसी भी तरह से जी सकते हैं 50 साल। और वैसे कोरोना महामारी ने बता दिया कि हमारी औकात कितनी है, बाल से भी कई गुना छोटे वायरस ने आपसे कह दिया कि आप स्थायी हैं, कभी भी आप लटक सकते हैं धरती से। तो कम से कम अच्छे से बेदाग जिंदगी तो जिया करिएगा, कि कोई आपकी जिंदगी पर दाग ना हो,
समझ रहे हैं, एक खुली हुई किताब की तरह। आज आप लोग लॉक डाल देते, पैटर्न डाल देते। मुझे नहीं लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में, ये हकीकत है, कभी आप अगर देखने का मौका मिले तो देखना जिंदगी में, हो सकता है जानने का भगवान करे तो मौका मिले, मैंने आज तक कभी भी लॉक इस तरह का पैटर्न नहीं डालने की कोशिश की अपने। आप भी, मैं लैपटॉप पर बैठा हूं, इसमें देखिए आप लोग कभी भी किसी भी तरह का लॉक डालने की कभी भी कोशिश नहीं की। बाकी देखिए नेट बैंकिंग इस तरह की बात है तो उसमें डालना पड़ता है, उसमें तो देखिए बिना नेट बैंकिंग में पासवर्ड का कुछ होता नहीं। लेकिन मैं फोन की क्या रहा हूँ या फिर इस तरह के लैपटॉपों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो भी प्रोफाइल पड़ी हुई, जो भी पड़ा हुआ है आपके सामने, कभी भी आप खोल के देख सकते हैं। अगर हम लोग सत्य, अगर इनके गुणों को माने, तो मुझे लगता है जीवन सुखमय हो सकता है, बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच सकते हैं। आप सोचिए कि इनकी अगर पूजा से आपको इतनी शांति मिलती है, तो इनके गुणों को अगर कर्मों को आप लोग खुद फॉलो करें तो एक तरह से कितनी शांति मिल सकती है, समझ रहे हैं आप। इनसे आप लोग कुछ बातें भी सीख सकते हैं, जैसे आचरण। आचरण का मतलब सीधा है कि आप इनके जो कर्म थे उन्हीं की बात कर रहा हूं, उन्हीं ने इन्हें भगवान बनाया, पवित्रता एक तरह से, कोई दाग नहीं, समझ रहे हैं। और दूसरा पिता की आज्ञा इस तरह की, देखिए पिता का मतलब यहां बार बार मैं बोल रहा हूं कि जो आप पर जिंदगी लुटा दे, फिर चाहे आपका खून हो या फिर आपका कोई और रिलेशन हो, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपकी पत्नी आपके साथ खड़ी हुई है हर समय, तो आप उसे भी अपना, मतलब एक तरह से कहिए कि भगवान से कम आपके लिए वो भी नहीं है। इस समय आप देखते हैं कि पत्नी का हाथ में रहता है आपको बर्बाद करना या मिटाना या संभालना, तो मुझे लगता है कि वो भी आपके लिए भगवान से कम नहीं है, इतना तो मानिए, ठीक है, आपका साथ दे रही है। दूसरी बात करें तो आप सेवा, मानव सेवा को भी ले सकते हैं, गुरु भक्ति को भी ले सकते हैं। धैर्य, एक बड़ी, सबसे बड़ी बात है धैर्य रखना, कि देखिए हर समय के हिसाब से सब कुछ होता रहा। आप सोचिए कि आप धैर्य रखना आप में होना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिल जाएगा, आपको बड़े लगन से काम करना होगा, धैर्य रखना होगा। हो सकता है 2 से 4 साल बाद रिजल्ट मिले, 5 साल बाद, तो आपको बड़े अच्छे से काम करना होगा, धैर्य रखकर, शांति रखकर, एक तरह से आप कर सकते हैं। और क्रोध भी कम करना चाहिए, गुस्सा भी। भगवान राम को कभी देखिए हमेशा मुस्कुराते हुए मिलेंगे आपको, तो ये भी आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। और कर्म पर सबसे ज्यादा भरोसा करिए, उसी पर बल दीजिए, आपके कर्मों की वजह से आपको सब कुछ मिलेगा। एक मानवता, इंसानियत, इस पर तो हमेशा जोर देता रहा हूं कि मानवता एक इंसानियत जो हकीकत है। आज भारत की आत्मा जो मैन आत्मा थी उससे हम बहुत पीछे हट चुके हैं। देखिए बाहर इंडिया रहेगा, हमारी भौगोलिक स्थिति रहेगी, लेकिन आप सोचिए जब आत्मा ही नहीं रहेगी, जब इंसानियत, मानवता नहीं रहेगी, तो इंसान का मुझे लगता है कि जीना ना जीना बराबर है, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह की भी बात कर सकते हैं। धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा मेरा यहाँ कहने का मतलब है मानव धर्म से, ना कि आजकल के जो संगठन बनाए जा रहे हैं इनसे, मानव धर्म से, ठीक है। दूसरों का अच्छा करना, दूसरों की भी मदद कीजिए, समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि दूसरों को आपके से कष्ट नहीं होना चाहिए, अच्छे से बात करना और सबकी सुनना भी एक अच्छी बात है। मैंने देखा है अभी कि मतलब उसमें भी पूछने लगते हैं कि देखिए भगवान सब कुछ जानता है, वो तो खुद फैसला कर सकता था, लेकिन वो पूछता है लक्ष्मण जी आपके विचार में ऐसा इसका क्या उपाय हो सकता है, हनुमान जी, विभीषण साहब, या फिर आप सोचिए किसी भी के बारे में, बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे में। आज की रामायण की बात कर रहा हूँ, उस समय की, ठीक है आपके पास पिक्चर्स नहीं है, उस समय की स्थिति का पता नहीं है आपको, कम से कम आज जो बनाई गई है उसमें भी तो काफी हद तक हकीकत है, उसे भी काफी हद तक आप सीख सकते हैं, तो उससे भी आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं मुझे तो लगता है। एक तरह से आप दूसरे के प्रति आदर भावनाएं भी रख सकते हैं, आदर यानी कि सम्मान करना। एक बात हमेशा याद रखिए, मुझे लगता है कि अगर आप दूसरे को सम्मान देते हैं तो आपको भी सम्मान मिलेगा, ठीक है। तो यही कुछ पॉइंट थे
मुझे लगता है कि आप समझ भी गए होंगे बेहतर तरीके से। और इनके बारे में देखिए, बुरे समय में न्यास निराश ना होना, दया का भाव रखना, ठीक है, यही सब है। मुझे लगता है कि एक निष्कर्ष बता दिया गया एक तरह से, और किसी के बारे में जिंदगी में बता पाना पूरा मुश्किल है। और पूरी रामायण देखिए, कम से कम आपके पास आजकल सभी सुविधाएं, नेट की व्यवस्था है, एक एक करके देखिए, उसमें आप पॉइंट निकालिए, मुझे बताइए कि इसमें एक गलती है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं आपको किसी भी व्यक्ति से आपको सीख ना मिलती हो, रावण से, विभीषण से, किसी तब से मिलती है आपको, समझ रहे हैं आप लोग? तो हर किसी से आपको उसका, मेघनाथ का आपने देखा होगा कि जब उसे पता चल जाता है कि लक्ष्मण जी भगवान है, वो अपने बाप के पास आप देखते हैं जाता है, तो वो लास्ट में एक बात कहता है कि मैं यहां इसलिए नहीं आया हूं कि मैं हार चुका हूं, क्योंकि अगर मैं हार कर भी उनके चरणों में गया तो वो मेरा सम्मान नहीं करेंगे, इससे अच्छा है कि मैं उनके हाथों मरना पसंद करूं। इसी तरह आप किसी भी से ले सकते हैं, खुद रावण से लग सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हाँ, मुझे मालूम है कि अगर भगवान श्री राम है, भगवान है, तो एक दिन इतिहास मुझे याद रखेगा कि भगवान, मालूम था कि भगवान थे, फिर भी लड़ते हुए मारे गए। वही हाल है कि आप सोचिए कि हमें मालूम है कि हम हार रहे हैं, यानी कि हमें मालूम है कि हम किसी काम को नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत यही है कि पूरा फोकस देते हुए उस काम को करते रहिए, जो भी मिले, हार मिले, जीत मिले, वो अलग बात होती है। उसी व्यक्ति को संघर्ष जो करता है, उसी को हमेशा याद रखा जाता है। तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं, बाकी आपका मन है, आप फॉलो करिए या ना करिए, आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जो अभी सामने परिस्थिति बनी हुई थी, इसके लिए मुझे लगा कि बता देना चाहिए। मैंने देखा है कि अभी अब तो सोशल मीडिया का काफी जमाना आ चुका है, तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसमें देखा गया है कि एक महिला रोड पर बच्चे को जन्म देती है, लॉकडाउन के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद देखा है कि वो जन्म देने के बाद दोबारा चलने लगती है। एक समझिए कि एक औरत का बच्चे को जन्म देना, औरत का दूसरा जन्म होता है, इतनी पीड़ा होती है उसे, आप समझ सकते हैं कि मतलब। और हमारे नेता क्या कर रहे थे, वो घर में बैठ के या रामायण देख रहे थे, या भगवान राम के बारे में, या महाभारत देख रहे थे, अपने अपने कामों में लगे हुए थे, कोई उनकी जनता की मदद के लिए नहीं गया। मैं इतना गारंटी से कह सकता हूं कि अगर हमारे श्री राम इस समय होते, तो वो घर में दुमक के इस तरह ना बैठते, वो रोड पर निकल जाते। एक नेता का कर्तव्य होता है कि अपनी जान भी निछावर कर देना जनता के लिए, वो होता है हकीकत में नेता। आप अपने पुराने नेताओं के बारे में पढ़िए, इसीलिए मैंने बायोग्राफी सबकी कवर करवा दी है, कि आप उनके बारे में जानिए बेहतर तरीके से और सीखिए उनसे। आज के उस समय के जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, समझ रहे हैं? और एक बात और याद रखिए, अभी ठीक है आपके पास पैसा है, आप, हो सकता है कि, मुझे नहीं लगता है कि आपको तबीयत खराब हो रही है, आप तुरंत हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बेहतर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, VIP सुविधा दी जा रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि भगवान ही तुम्हें सजा देगा। किस तरह से? क्योंकि तुमने भगवान को माना है, लेकिन उनके कर्मों को फॉलो कभी नहीं किया। तुम्हें रामायण ना देखते तो मुझे लगता है कि चल सकता था, लेकिन आपको जनता के बीच जाना चाहिए था, आपको उनका ध्यान रखना चाहिए था। और याद रखिए, आज हम लोग गांधी को या बाकी नेताओं को गलत ठहरा देते हैं, हमारी औकात इतनी नहीं है। अगर हम वही हाल है कि हम में कमियां हैं वो नहीं देखी जा रही हैं, उस समय कमियां क्या थी उसे देख रहे हैं हम लोग। तो एक समय इतिहास में देखिए, आज जो भी काम कर रहे हैं, आज हम लोग उसका एक तरह से निर्णय नहीं कर सकते ये सही है या गलत है, ये तो हमारा इतिहास बताएगा कि सही था या गलत था, हम गलत थे, हमारे यहाँ के इस समय के नेता गलत थे, या कौन था। इतिहास में गाली दी जाएंगी और इतिहास में ही सब बुरी तरह से नकारा जाएगा सबको, जो सही होगा वो सही रहेगा। तो ये सभी देखने को मिलेगा। अभी आपने कुलभूषण, सॉरी, प्रशांत भूषण का मामला दिया है, देखा है, अवमानना। प्रशांत भूषण एक ऐसा व्यक्ति है कि देखिए, वो मुझे नहीं मालूम उसके बारे में जाना किसी के बारे में, लेकिन इतना देखा है मैंने कि गरीबों के लिए जनहित याचिकाएं जारी करता रहा, डालते रहे, और गरीबों के लिए काफी हद तक मदद भी करते रहे, और लॉकडाउन के टाइम पर भी उन्होंने आवाज उठाई, ठीक है। उनसे जब कोर्ट ने, आपने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट अपने ही जाल में बिछाए में किस तरह फंस चुका है, कि सजा के लिए भी आप उसे सोचना पड़ रहा है, क्या कहूं, वो कह रहा है कि वो, आप माफी मांग लीजिए, हम छोड़ देते हैं,
वही हाल है कि चोर से कहा जा रहा है कि चोर आप माफी मांग लीजिए, हम तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन चोर कह रहा है कि मुझे सजा दीजिए, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो प्रशांत भूषण ने एक शब्द कहा है कि मैं अपनी सजा के लिए कभी भी आपके सामने दया नहीं मांगूंगा, और आज ठीक है आप मुझे जितनी भी सजा दें, मैं मंजूर है, मुझे ये इतिहास में इसका निर्णय किया जाएगा कि सही थी ये सजा या गलत थी। और ये हकीकत है, देखिए इतिहास में याद रखा जाएगा, जो भी रहेगा, जो भी निर्णय रहेगा, ठीक है, उस व्यक्ति ने कम से कम अपने शब्दों पर डटा हुआ तो है। तो चलिए, जैसी भी इंसान चलता रहेगा, और वैसे भी आप देखिए, अगर नेता आपके लिए कभी नहीं करते कुछ, मुझे लगता है अभी के नेताओं की बात कर रहा हूँ, एक सोनू सूद का नाम आप लोगों ने काफी सुना है, उसका नाम मुझे लेते हुए गर्व होता है, एक तरफ से गर्व की बात है ही। आप सोचिए कि एक व्यक्ति अगर 10 से 15 लाख लोगों को घर पहुंचा सकता है, तो मुझे लगता है कि हर नेता, यूपी का उदाहरण ले लीजिए, 403 के पास आपके विधायक हैं, 100 के करीब आपके विधान परिषद सदस्य हैं, 31 आपके राज्यसभा सदस्य हैं, 80 के पास आपके लोकसभा सदस्य हैं, अगर ये सब मिलकर काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि यूपी में किसी के पास भूख से नहीं मरता, कोई स्थिति खराब नहीं होती। लेकिन आपने अधिकतर देखा है कि समाज से भी ही रोड पर दिखे हैं, बाकियों को आपने देखा है कि घर में दुमक के बैठे रहे, अपनी सुरक्षा के लिए अपना काम करते रहे। तो वही है कि भगवान के भरोसे चल रहा है, चलने दीजिए और भगवान को मानिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते रहेंगे ऐसा जो भी टाइम मिलेगा, और आपके भी में अगर कोई है सवाल है तो आप भी बता सकते हैं, और जिसके बारे में भी आपको जानने की लालसा हो तो आप उसके बारे में भी बताइए, हम लोग बात करेंगे विस्तार से उसके बारे में, ठीक है। जय श्री राम।